वेलकम टू माय फूड लाइब्रेरी चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ तवा पसंदा, जिसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हाफ़ के जी पारचा है मेरे पास में। ये देखिए, ऐसे स्ट्रिप में पारचे के शेप में ये ऐसे कट कर लेना है आपको, और हैमर से मैंने इसे हल्का सा कूट लिया था ताकि रेशा इसका ओपन हो जाए। और एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दो टेबलस्पून पपाया लगाकर मैंने एक घंटे के लिए रख दिया था। और अब हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन करते हैं। तो मैं डालती हूँ 4 से 5 टेबलस्पून दही। तो ये देखिए, दही डाल दिया मैंने, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और डालते हैं। और डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी है मिर्च, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम मिला करके वापस 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए हम हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। चम्मच से बराबर नहीं होते हैं मिक्स, हाथ से ही कोई भी काम सही होते हैं। तो मुझे कलर थोड़ा यहाँ मिर्च का कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और अब हम सबको मिला करके इसको रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में 1.5 घंटे के लिए। कुछ चीज़ों को मैं बाद में ऐड करूँगी कुकिंग के टाइम पर, जैसे ये ब्राउन प्याज, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी प्याज हमारी अभी फ्राई होकर तैयार हुई है। और ये है डेसिकेटेड कोकोनट स्लाइस में किया हुआ, और 1 टीस्पून खसखस, मैं दोनों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये है भुने चने का आटा, जो भुनी दाल मिलती है चने की, उसका आटा है ये। तो हमने इसे देखिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 छोटी इलायची मैंने डाल दिया, और अब ये हम डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून चने का आटा डाल रही हूँ, और सारी चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए 1.5 घंटा हो चुका है, और अब हम वापस से इन सबको मिला लेते हैं पसंदे के अंदर। तो पहले मैं डालूँगी हाथों से क्रश की हुई 1/2 कप ब्राउन प्याज, और ये बनाया हुआ पाउडर डाल देते हैं, और हाथों से मिला करके हम इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तवा हमारा रेडी है, हमने ऑयल डाल दिया है उस पर। तो पहले हम ऑयल में डालते हैं ये कुछ खड़े स्पाइसेस, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग, और अब एक एक करके पसंदे हम ऑयल में डाल देते हैं। फ्लेम हमारी इस वक्त मीडियम पे है, जब सारे हम इस पर एडजस्ट कर लेंगे तो फ्लेम को हाई कर देंगे। जितने एडजस्ट हुए मैंने डाल दिए, बाकी को बाद में पकाऊंगी। तो ये देखिए, हमने अभी फ्लेम को हाई कर दिया है, स्लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। 1 मिनट के लिए कवर करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पपाया के अंदर होता है मीट टेंडराइज़र, अगर हमने स्लो फ्लेम पर पकाया तो ये पानी रिलीज़ कर देंगे, तो फिर ये कीमा बन जाएगा। तो इसलिए फ्लेम का बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए टेंडर होना शुरू हो गया है, तो बस अब हम इसे आराम से पलट लेते हैं। मसाला भुनना शुरू हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो टोटल टाइमिंग इसको पकने का 7 से 8 मिनट है। कोयला भी हमारा रेडी है, तो चलिए अब हम धुआं दे देते हैं इसको। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना भुना भुना सा ये रेडी हो गया है। तो इसको धुआं हम देंगे बस 25 से 30 सेकेंड के लिए, इससे ज़्यादा हमें इसे धुआं नहीं देना है, बस एक लाइट स्मोकी फ्लेवर तक ही लाना है। तो बस अब हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारा यमी सा डिलीशियस पसंदा बनकर तैयार है गाइस। अगर आप ऐसे यमी और डिलीशियस डिशेज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और डिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।